वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है भूषण। आज हम आए हैं 1 BHK सैंपल फ्लैट देखने के लिए। चलो चलते, फिर मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, ये जो साइट का कंस्ट्रक्शन है ये तलेगांव धमधड़े साइट लोकेशन पे चालू है, पुणे के, जो शिकरापुर से कुछ 4 किलोमीटर्स आता है। आप देख सकते हैं ये एक्चुअल फ्लैट होने वाला है। ये मेन एंट्रेंस, जैसे हम एंट्री करते हैं हमें लॉबी मिलती है। आप देख सकते हैं लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है। लिविंग रूम की साइज 10x9 की है। प्रॉपर वेंटिलेशन है, चारों तरफ से उजाला है। चलते हैं फिर हम बालकनी की तरफ। बालकनी देख सकते हैं आप, बालकनी की साइज 4.5 होने वाली है। आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है इसीलिए यहाँ पे एमिनिटीज आने वाली है इस साइट में। आप देख सकते हैं बालकनी आपको कवर्ड मिलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं हॉल का व्यू। काफ़ी बढ़िया लग रहा है टेम्पल हॉल में बनाया हुआ। तो चलते हैं हम किचन की साइड पर। किचन हमारा होने वाला है 6x8 का किचन। आप देख सकते हैं एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा फ्लैट है। ड्राई बालकनी तो प्रोवाइड नहीं है, ड्राई बालकनी की विंडो आपको मिलती है, वहीं पर आपको एग्जॉस्ट के लिए निकाल के रखा है पॉइंट। चलते हैं फिर हम वॉशरूम की तरफ। ये दोस्तों यहाँ पर मिलता है सेपरेट टॉयलेट एंड बाथरूम। सेपरेट बाथरूम, बाथरूम की साइज 5x3 की है। वॉशरूम की साइज 3x4 की है। चलते हैं फिर बेडरूम की तरफ। बेडरूम देख सकते हैं, बेडरूम की साइज 9x9 की होने वाली है। आप देख सकते हैं बेडरूम, ये मॉडल फ्लैट है। इसमें सामान रख के आपको पता चलता है कि आपको यूज़ करने के लिए कितना फेस बचता है, तो आप प्रॉपर अंदाज़ लगा सकते हैं कि फ्लैट कितना फेशियस है। परेशन भी कुछ 3 या 4 महीने का परेशन आपको मिल जाएगा, ज़्यादा दिन आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 90% बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है, 10% बाकी है। बुकिंग चल रही है इस कंस्ट्रक्शन पे। आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और साइट विज़िट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट पर। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आप कौन से लोकेशन पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मैं उस लोकेशन का आपको कोई रिव्यू दिखाऊं
या कुछ बताऊं उस लोकेशन के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।